नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनिसार। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 400 स्क्वायर फुट एरिया में आपका टाइल्स इंस्टॉलेशन करवाने का कितना खर्चा लगेगा। तो दोस्तों इसमें सीमेंट का कॉस्ट हो गया, लेबर का कॉस्ट हो गया, सैंड का कॉस्ट हो गया, टाइल्स का कॉस्ट हो गया, व्हाइट सीमेंट का कॉस्ट हो गया, सारे कॉस्ट के ऊपर हमने बात किया। तो बहुत हेल्पफुल वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट। और दोस्तों इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट पर हमने एस्टिमेट निकाल के सिखाया है, तो आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम आपको टोटल टाइल्स बताएंगे कितना क्वांटिटी है और टाइल्स का रेट क्या है, सैंड का, सीमेंट का, व्हाइट सीमेंट का, लेबर का, ठीक है, और टोटल कॉस्ट बताने वाले हैं। और इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले भी हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर पूरा देख लेते हैं तो आसानी से आपको समझ। टाइल्स एरिया का बात कर ले, हमें 400 स्क्वायर फुट में टाइल्स का इंस्टॉलेशन करवाना है, लगवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले फ्लोर टाइल्स का अगर बात कर ले तो फ्लोर टाइल्स यानी कि आपका जो फ्लोर पे लगता है नीचे में उस टाइल्स का बात कर लेंगे, तो यह आपको 1 स्क्वायर फुट 400 स्क्वायर फुट जो हमारा एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, तो 400 स्क्वायर फुट में दोस्तों 1 स्क्वायर फुट में आपका 1 स्क्वायर फुट टाइल्स लगेगा, यानी कि 1 स्क्वायर फुट एरिया में आपका 1 स्क्वायर फुट टाइल्स लगेगा। दोस्तों 400 स्क्वायर फुट आपका एरिया है और एक स्क्वायर फुट में एरिया में 1 स्क्वायर फुट टाइल्स लगता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आपका 400 स्क्वायर फुट आपका टाइल्स हो गया। केवल फ्लोर टाइल्स का बात कर रहे हैं, तो हम बात कर लेंगे किचन टाइल्स का, बाथरूम टाइल्स का और स्क्रीटिंग टाइल्स का अगर बात कर लेंगे जो चारों तरफ लगता है, ठीक है, दीवार के चारों तरफ लगता है 4 इंची का, उसको स्क्रीटिंग टाइल्स बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना था, 400 स्क्वायर फुट था, और दोस्तों किचन टाइल्स, बाथरूम, स्क्रीटिंग टाइल्स मिला के 0.3 स्क्वायर फुट एक स्क्वायर फुट में एरिया में टाइल्स लगता है, 0.3 स्क्वायर फुट टाइल्स, ठीक है, ये टाइल्स है। तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 120 स्क्वायर फुट टाइल्स निकल के आ जाएगा, क्या चीज़, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स और स्क्रीटिंग टाइल्स। तो दोस्तों अब टोटल टाइल्स का बात कर ले तो हमारे पास फ्लोर टाइल्स 400 स्क्वायर फुट टाइल्स निकल गया और स्क्रीटिंग, बाथरूम, किचन का हमारे पास 120 स्क्वायर फुट निकल गया, तो यह आपको 520 स्क्वायर फुट टोटल टाइल्स हो गया, ठीक है। दोस्तों इसको सीधा सीधे आप ऐसे भी कर सकते थे, 400 स्क्वायर फुट एरिया में आप 1.3 स्क्वायर फुट टाइल्स से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका यह 520 स्क्वायर फुट निकल के आ जाता। लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए बताए हैं कि फ्लोर टाइल्स में 1 स्क्वायर फुट में 1 ही स्क्वायर फुट टाइल्स का यूज होगा और किचन, बाथरूम, स्किटिंग टाइल्स मिला के 0.3 स्क्वायर फुट टाइल्स यूज होगा 1 स्क्वायर फुट एरिया में, तो टोटल हमारा 520 आया, ठीक है। आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, बात बराबर होगा। अब बात कर लेते हैं सीमेंट और सैंड का क्या रेशियो हमने रखा है टाइल्स इंस्टॉलेशन के लिए, टाइल्स लगवाने के 1:6 है, 1 पार्ट आपका दोस्तों सीमेंट रहेगा तो 6 पार्ट आपका क्या रहेगा, ये सैंड रहेगा, ठीक है। अब थिकनेस ऑफ मोटार का बात कर ले, जो दोस्तों टाइल्स के नीचे जो अपना मोटार डालते हैं उसके ऊपर टाइल्स लगाते हैं वो आपका 1 इंच से 2 इंच के बीच में रखते हैं मोटाई, मोटार का उसके ऊपर टाइल्स लगाते हैं। तो अब बात कर ले वॉल्यूम ऑफ टाइल्स का 400 स्क्वायर फुट एरिया के लिए, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए, एक तो फ्लोर टाइल्स का एरिया चाहिए और मोटार का थिकनेस चाहिए। तो फ्लोर टाइल्स का हमारे पास एरिया क्या है, 400 स्क्वायर फुट है, ठीक है, 400 स्क्वायर फुट में हमें टाइल्स लगवाना है। और मोटार का आपको बात कर ले, 1 इंची को फीट में अगर बदलेंगे तो यह 0.0833 फीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्क्वायर फुट है और फिर से फीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह वॉल्यूम हमारा 33.32 CFT आ जाएगा। CFT का मतलब हो गया दोस्तों क्यूबिक फुट हो गया, ठीक है, क्यूबिक फुट हो गया, यानी कि स्क्वायर फुट पहले से था, फीट गुने फीट गुने फीट बराबर हो जाता है क्यूबिक फीट हो जाता है, समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये अभी आपको CFT में है और हमें अगर सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी निकालना है तो हमको इसको मीटर क्यूब में बदलना होगा, वी कन्वर्ट इनटू CFT टू मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 35.32 CFT होता है, क्यूबिक फुट होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो 33.32 CFT था उसको 35.32 CFT से क्या किया, भाग दे दिए, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 35.32 CFT होता है, तो ये कट जाएगा दोस्तों, कटने के बाद यह आपके 0.9433 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यह अभी क्या है, गीला में हमारा वॉल्यूम। अब हम इसको क्या करेंगे, सूखा में कन्वर्ट करेंगे,
ये अभी वेट में था गीला में, तो ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सूखा में 33% ये ज़्यादा हो जाता है मोटा, और गीला में आपका सीमेंट बालू का आपका कम हो जाता है और सूखा में ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब 0.943 से मल्टीप्लाई हमको करना 1.33 से, तो यह हो जाएगा 1.255 मीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम हमारा, ठीक है दोस्तों। सीमेंट क्वांटिटी निकालने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो वॉल्यूम निकल के आया है सूखा में 1.255 मीटर क्यूब, इसको हम क्या करेंगे सीमेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए, वन पार्ट जो सीमेंट और बालू का जो रेशियो था इसमें वन पार्ट सैंड था और छः पार्ट आपका रेशियो बालू था, तो हमें सीमेंट का निकालना है, तो वन पार्ट हमने सीमेंट लिया है तो वन पार्ट से गुना कर देंगे ड्राई वॉल्यूम, 1.255 मीटर क्यूब है, और डेंसिटी सीमेंट का होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो दोस्तों ये मीटर क्यूब से हमारा ड्राई वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ये मीटर क्यूब ये कट जाएगा, कटने के बाद आपका 7 से भाग दे देना है गुना करने के बाद, तो 7 कहाँ से आया, तो सीमेंट और जो बालू का रेशियो है उसका सम, उसका योग, तो 7 हो गया, 1 + 6 = 7, तो 7 से भाग देने के बाद दोस्तों यह 258.10 केजी आ जाएगा। अब केजी को कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको ये मालूम है एक बैग सीमेंट बराबर होता 50 केजी, तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें 50 केजी से आप भाग दे देंगे, तो भाग देने के पास ये आ जाएगा 5.166 बैग आ जाएंगे, अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं ये 6 बैग, ठीक है 6 बैग सीमेंट लग जाएगा। दोस्तों चौथे नंबर का अगर बात कर ले तो सैंड का क्वांटिटी, यानी कि रेत का क्वांटिटी या बालू का क्वांटिटी आप लोग कह सकते हैं, तो ये निकालने के लिए आपको सीमेंट और बालू का जो रेशियो था जिसमें 6 पार्ट आपका सैंड था बालू था, तो 6 गुने जो ड्राई वॉल्यूम था अपना निकल के आया था 1.255 मीटर क्यूब, ठीक है, और उसके बाद 35.32 CFT है और डिवाइडेड बाय 7 है जो दोनों का योग है रेशियो का सीमेंट सैंड का, तो दोस्तों 35.32 आप लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 35.32 CFT अभी हमने बताया था, ठीक है, तो मीटर क्यूब में ये वॉल्यूम है और हमें सीमेंट का क्वांटिटी हमेशा CFT में चाहिए, ठीक है, तो CFT में बदलने के लिए दोस्तों 35.32 से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं क्योंकि बताए हैं 1 मीटर में 1 मीटर क्यूब बराबर 35.32 CFT, जब आप गुना कर देंगे तो 37.944 CFT आ जाएगा, और 7 तो जान गए ये सीमेंट बालू का मोटार का रेशियो का सम है, तो ये अप्रॉक्स ले के चल सकते हैं 38 CFT आपका बालू लग जाएगा। तो वाइट सीमेंट है, तो वाइट सीमेंट कहाँ कहाँ लगता है, वाइट सीमेंट जब दो टाइल्स रहता है उसके बीच में जो गैपिंग रहता है उसको फिलअप करने के लिए वाइट सीमेंट लगाते हैं, ठीक है, और स्क्रीटिंग जब लगाते हैं दीवार के चार तरफ ऊपर से जो लगाते हैं उसमें भी हम ये वाइट सीमेंट का यूज करते हैं। तो दोस्तों वाइट सीमेंट का अगर बात कर ले तो टोटल्स हमारे पास जो टाइल्स का क्वांटिटी था 520 स्क्वायर फुट टाइल्स था, तो इसको हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर फुट में हमारा 0.01 केजी लगता है, तो 520 स्क्वायर फुट टाइल्स टोटल निकल के आता है, उसे मल्टीप्लाई करने के बाद 5.2 लग जाएगा, यानी कि 6 केजी आपका क्या लग गया, अप्रॉक्स मान के चल सकते 6 केजी वाइट सीमेंट लग गया। अब लेबर रेट का बात कर ले तो 20 से 25 रुपया लगता है पर स्क्वायर फुट का, और दोस्तों कहीं कहीं स्केटिंग टाइल्स वगैरह लगाएंगे तो उसका 5 से 6 रुपया आपका ले लेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेंगे क्वांटिटी कितना निकल के आया है मेटेरियल का आइटम का और रेट क्या है सब चीज़ पर बात कर ले, तो टाइल्स का बात कर ले तो टाइल्स हमारे पास 520 स्क्वायर फुट निकल के आया है, ठीक है, क्वांटिटी टाइल्स का हमने स्क्वायर फुट में निकाला है। दोस्तों टाइल्स का रेट का अगर बात कर ले तो यह दोस्तों 25 रुपया से लेकर 250 रुपया पर स्क्वायर फुट आपका लगता है कॉस्ट, 50 रुपया पर स्क्वायर फुट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 520 स्क्वायर फुट टाइल्स का तो यह होने वाला है 26,000 रुपये आपका टाइल्स के ऊपर लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैंड का बालू का क्वांटिटी क्या होगा, बालू मतलब रेत, तो यह आपका 38 CFT निकल के आया था, CFT मतलब क्यूबिक फुट, अगर रेट का बात कर ले तो यह 70 रुपया लेके चल रहे हैं बिहार का ध्यान में रखते हुए पर CFT का, तो यह होने वाला है 75 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे 38 CFT को तो यह 2,850 रुपया आपका लग जाएगा बालू के ऊपर, आपके एरिया में थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है 60-65 भी हो सकता है तो आप उसके अनुसार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सीमेंट का अगर बात कर ले दोस्तों तो 6 बैग है तो 6 बैग सीमेंट का रेट का अगर बात कर ले तो 350 रुपया में आपका भी 350 से 370 रुपया में आपका मिल जाता है पर बैग अच्छे सीमेंट, लोकल सीमेंट तो आपको 300 रुपया के आसपास भी मिल जाएगा, तो 6 बैग का यह हो गया दोस्तों सीमेंट आपका हो गया 2100 रुपया 2100 रुपीज़,
व्हाइट सीमेंट का अगर बात कर ले दोस्तों तो ये 6 kg आया था, 1 kg का रेट अगर बात कर ले तो 50 से 55 है रेट चल रहा है, तो 50 रुपया पर kg, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 300 रुपया आपका व्हाइट सीमेंट। अगर लेबर का बात कर ले तो लेबर का रेट दोस्तों 25 रुपया हमने ले कर चल रहा है स्केटिंग टाइल्स पकड़ के लगाने का पर स्क्वायर फुट का, तो हमारे पास 520 स्क्वायर फुट टाइल्स इंस्टॉलेशन करवाना था, तो उसका लेबर कॉस्ट का अगर बात कर ले तो ये होने वाला 6,250 रुपया लेबर का कॉस्ट। अब बात कर ले टोटल कितना लग जाएगा, तो टोटल कॉस्ट का अगर बात कर ले तो जोड़ देंगे तो ये 37,500 रुपया आपका कहाँ दहाँ 11,000-10,000 रुपया लग जाएगा टाइल्स इंस्टॉलेशन कराने के लिए 400 स्क्वायर फुट में, 37,500 रुपया, ठीक है।